गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्ज एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है आज 7 सितंबर 2022 के। आप लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए। जैसे हम लोग अभी सितंबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसके पैरेलल में आप पुराने महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए। अगर इस सीरीज से आप लोग कनेक्ट हैं तो पिछले महीने की अगस्त महीने की जो PDF है वो टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, तो 5 मिनट 10 मिनट रोज़ देख लिया करो। वो 1-1.5 घंटे की PDF ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको आपको पढ़ने में। और पिछले महीने के सारे वीडियोज़ डेली बेसिस वाले कंपाइल भी कर दिए थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो 4 घंटे का है, PDF पढ़ने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो जो भी आपको ईजी पड़े उससे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस, इसको पढ़ने के बाद ऑपरेशन पोलो याद आ रहा होगा आप लोगों को। 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद की मुक्ति के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य पर इसका आयोजन किया जा रहा है, इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद राज्य का विलय हुआ था भारतीय संघ में। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था, यह एक सैन्य अभियान था। 13 से 18 सितंबर के बीच यानी 5 दिन में 6 दिन में पूरे राज्य को नियंत्रण में ले लिया गया था। और ये मुक्ति मिली किससे थी? नवाबों से मिली थी, मिलिशिया से मिली थी, जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन हैदराबाद नहीं हुआ था उस टाइम। जूनागढ़ भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, कश्मीर भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ये तीनों राज्य, तीनों रियासत ऐसी थीं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भी इंडिपेंडेंट थीं, लेकिन बाद में सबका एकीकरण कर लिया गया। हैदराबाद में जो ऑपरेशन पोलो चला 13 से 18 सितंबर के बीच में 1948 में, इसका विरोध पाकिस्तान ने भी किया था और इंडिया की शिकायत वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जाके की थी। लेकिन ये 1948 की बात थी, UN क्या करेगा? UN खुद 1945 में बना था, 3 साल ही हुए थे। तो यहाँ पे तो अभी UN ही दुनियादारी सीख रहे थे, और ऊपर से इंडिया में होम मिनिस्टर थे पटेल साहब, और पटेल साहब जेएल नेहरू तो थे नहीं, तो यहाँ पे UN ने भी कोई ऑब्जेक्ट किया नहीं था इस पर, ठीक है। चलिए, अनुकूल चंद्र ठाकुर ये कौन थे? आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। बांग्लादेश के पावना ज़िले में अभी इनकी जयंती मनाई गई है, इसके चलते हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठाकुर साहब की पैदाइश ही बांग्लादेश में ही थी, लेकिन 1946 में ये पावना छोड़कर भारत में आ गए थे। अनुकूल चंद्र ठाकुर को सी आर दास अपना गुरु भी मानते थे। सी आर दास को क्या बोला जाता है? देश बंधु के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, अनुकूल चंद्र ठाकुर। चलिए, टीचर्स डे, सबसे पहले तो आप सभी को हृदय से थैंक यू। आप लोगों की शुभकामनाएं मुझे कमेंट के माध्यम से मिल गई थी, तो मेरी तरफ से भी दिल से आप लोगों को रिस्पेक्ट। चलिए देख लेते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। और ये डायनेमिक पर्सनालिटी के इंसान थे। अपने जीवन में ये प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, प्रशासक रहे, प्रोफेसर बाय प्रोफेशन से थे ही, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक थे, थिंकर थे। डॉक्टर साहब को 27 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 16 बार साहित्य के नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया और 11 बार शांति के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। तो 27 बार नॉमिनेट होना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। डॉक्टर साहब देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे और सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने पोस्ट को होल्ड किया, ठीक है। ये टीचर्स डे के बारे में था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को होता है, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को होता है, हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग बल्लम कली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बल्लम कली के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। यह जो नौका दौड़ होती है केरल में, वहाँ का लोकल नेम बल्लम कली है। बल्लम का मतलब नौका और कली का मतलब होता है खेल। इस खेल को नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी बोलते हैं। केरल में जब सबसे पहली बार नौका दौड़ का आयोजन किया गया था, उस टाइम पर नेहरू जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तभी से इसका नाम नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी है। ये नौका दौड़ कहाँ पर की जाएगी? पुनमदा झील में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, ये झील कहाँ पर? केरल में है, तो अलग से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग वैचिंग में दे देगा। ज्योग्राफी के मैचिंग में आएगा तो फिर ऐसे लगेगा कि जैसे स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है। इस ट्रॉफी पर जेएल नेहरू साहब के सिग्नेचर रहते हैं, और इन नौकाओं को स्नेक नौकाएं बोलते हैं या फिर सर्प नौकाएं बोलते हैं। वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है चुंडन। तो यहाँ पर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? बल्लम कली होता कहाँ पर? केरल में। ये है क्या? ये नौका दौड़ है। इसको और किस नाम से जानते हैं? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस प्रोग्राम को फसल कटाई के समय पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी समय ओडम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। फसल कटाई का त्यौहार बोलते हैं ओडम को, ठीक है। चलिए, भारत का पहला LNG ग्रीन ट्रक
बस अभी हम लोग पढ़े थे कुछ महीने पहले करंट में, है ना। अब यहाँ पे ट्रक पढ़ लीजिए, इसको अनवील किया गया है पुणे में, अनावरण पुणे में किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कभी कभी इसका कंपोजिशन पूछता है, PCS तो हमेशा ही पूछता है। मेजरली इसमें मीथेन गैस होती है और कुछ मात्रा में इथेन होती है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन याद रखें और ये पुणे याद रखें। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अर्जी खारिज हो गई है। किस तरीके की अर्जी? संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक पिटीशन डाली गई थी, अर्जी डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया। सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्लियर है। अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बाकी भाषा से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनको देख लेते हैं। 343 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पॉलिटी में। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर बताई गई है हिंदी को। 343 में लिखा है कि हिंदी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पर ऑफिशियल शब्द का यूज किया गया है, नेशनल का नहीं किया गया। और भाषाओं का जिक्र कहाँ पर है? 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। जो टोटल भाषाएं हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, वो कितनी हैं? 22 हैं। इन 22 में आपको ध्यान रखना है इंग्लिश नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज दिलाने का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बहुत भाषाओं का फ्रेमवर्क को तैयार करता है, फ्रेमवर्क को फॉर्म करता है। जैसे तमिल भाषा हुई, कन्नड़ हुई, हिंदी हुई, मलयालम हुई, तेलुगु, इन भाषाओं का जो आधार है वो संस्कृत भाषा से ही फॉर्म होता है, बनता है। तो नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया तो जा ही सकता है। तो अब ये सब तो हम लोगों के इंडिविजुअल व्यूज़ हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रिफ्यूज ही कर दिया ना। चलिए, राष्ट्रीय गेम होने वाले हैं गुजरात में, इम्पोर्टेंट फैक्ट। इन राष्ट्रीय खेलों का मस्कट भी लॉन्च हो गया है और एंथम भी लॉन्च हो गया है। मस्कट जो है वो है साबाज, याद रखना है आपको, साबाज। साबक समझते हो ना? साबक, साबक किसे बोलते हैं? शेर के बच्चे को। साबक से आप साबाज याद रख लीजिए। साबाज गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा, यानी कब। ये जो नेशनल गेम्स का मस्कट और एंथम लॉन्च किया गया, ये अहमदाबाद से किया गया। और आप लोगों को ध्यान रखना, ये जो लॉन्च किया है वो होम मिनिस्टर साहब ने किया है, अमित शाह ने किया है, नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया है। बोर्डिंग में क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो वो नरेंद्र मोदी को लिखेगा। और ये जो नेशनल गेम्स होंगे ये 36 में होंगे, आपको ये 36 क्रम याद रखना है, 36 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अहमदाबाद के अलावा 5 सिटीज़ में और इनको खेला जाएगा। गुजरात के 6 शहरों में ये नेशनल गेम्स खेले जाएंगे। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, बड़ौदा और भावनगर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन बना देगा और पूछ लेगा कि नेशनल गेम्स कहाँ पे नहीं खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो लगा देना, ये याद रहेगा तो सही कर ले जाएंगे आंसर। इनको खेला जाएगा 19 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में। और जो इस बार एंथम की थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम में मिल जाएगा आपको। आगे चलें? चलिए अब आगे क्या चलें, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इतना ही था आज का, चलिए फिर इतना कीजिए, मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।